कुछ लोगों का कहना है व्हाई राम मंदिर, व्हाई नॉट हॉस्पिटल, व्हाई नॉट एजुकेशन सेंटर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये लोग कौन है जो ये वाली बातें बोलते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक मोदी गवर्नमेंट ने 315 मेडिकल कॉलेजेस बनाए। इतनी सारी मेडिकल कॉलेजेस कभी नहीं बनी। जो पहले एक एम्स हुआ करती थी आज 25 एम्स है। IIT ट्रिपल हो गए। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए। मेडिकल सीट डबल हो गई। 70,000 किलोमीटर की हाईवेज इस गवर्नमेंट ने ऐड की है राम मंदिर बनाने से पहले। 10,000 आपके पंचायत भवन बने हैं राम मंदिर के बनाने से पहले। 50 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट मिला है राम मंदिर बनाने से पहले। 10 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन मिला है राम मंदिर बनाने से पहले। 4 करोड़ बेघर लोगों को पक्का घर मिला है राम मंदिर बनाने से पहले। तो राम मंदिर अपनी जगह पे बन रहा है, बाकी की चीजें की डिलीवरी अपनी जगह पे है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली काम हो रहे हैं। तो सारे इवेंट्स अपने अपने जगह पे है। और राम मंदिर क्यों नहीं बनाए अयोध्या में? हॉस्पिटल तो हम कहीं भी बना सकते हैं अगल बगल में। ये एक चीज बताइए मुझे, पूरा ज्ञान हिंदूज लोग को क्यों देते हो? ये क्यों नहीं बोलते हो कि वो बाबरी मस्जिद वालों को जो 5 एकड़ जमीन मिली है वहां पर हॉस्पिटल बनाइए, वहां पर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए? ये ज्ञान सिर्फ हम लोग को क्यों मिलता है? क्यों नहीं बोलते कि इसकी चर्च की जो जमीन है उसकी जगह आप एम्स बना दीजिए? तो ये सारा का सारा प्रहार सिर्फ हिंदुओं पे क्यों होता है? और ये सब काम होने के बाद राम मंदिर बन रहा है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ राम मंदिर ही बन रहा है बाकी के काम नहीं हो रहे। सारा डेवलपमेंट अपनी जगह पे हो रहा है और राम मंदिर अपनी जगह पे बन रहा है। हमें भक्ति भी चाहिए, हमें शक्ति भी चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, जो देश प्रोग्रेस कर रहा है वो भी हमें चाहिए। भैया नहीं चाहिए ज्ञान। हम हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे, हम राम मंदिर भी बनाएंगे, हम स्कूल्स भी बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे। ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बना रहे हैं। जितना लास्ट 67 इयर्स में नहीं बनाया उतना हमने लास्ट 10 साल में बना दिया। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस विच यू नीड टू सी एंड विच यू नीड टू डेसिफर ऑल्सो।